10 इंची गमला है, मात्र एक पौधा है इसके अंदर, 26 इंच डाया। किस तरह से ये पौधा पूरा बना हुआ है, लगभग 32 इंचेस। पिंक कलर है, गौर से देखिए, ये सिंगल पौधा 10 इंची गमले में है। इसकी ग्रोथ देखें, 6 इंची गहराई है और 12 इंच का डाया है इसका, देख सकते हैं आप। सिंगल पौधा लगा हुआ है, मैं जड़ भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। और इसका भी डाया आप देख लें, 30 इंची डाया, मतलब 2.5 फुट का डाया जो है, 12 इंच का जो ट्रे है उसके अंदर हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है, जगह नहीं है जिनके घर में, उनके लिए बेस्ट तरीका है कि फ्लावरिंग आप बगैर जगह की भी कर सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज देखिए कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स है, स्पेशली पिटूनिया। पिटूनिया की मेरे पास आती है कि मेरे तो पिटूनिया में 4 फूल आए, 10 फूल आए या थोड़ा सा फूल आया, तो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि एक पिटूनिया का पौधा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना फ्लावर दे सकता है और क्यों देता है, कैसे देता है, हम जानकारी जानेंगे, ताकि आने वाले समय में जब भी समय आता है इसका, तो आप इन चीज़ों को नोट करके रख लें और वही प्रोसेस करें और एक ही पिटूनिया के पौधे पे 1000+ 1000+ जो है फूल ले सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक एक को दिखाऊंगा कि कितना डाया हो गया है एक एक सिंगल पौधे का। तो उससे पहले मैं कुछ आपको झलकियां दिखा दूं, छोटे छोटे उसमें गमलों में लगा हुआ है, इतना इतना बड़ा डाया, मतलब एक बार कैमरे के अंदर आ भी नहीं रहा है आपका, ये देखिए पूरा का पूरा नहीं आ रहा है। और इसी के साथ ये देखेंगे कि 8 इंची छोटे गमलों में लगा हुआ है, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिटूनिया भरा हुआ है। बहुत सारे फ्लावर और भी हैं, लेकिन हम सबसे पहले पिटूनिया को लेके चल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से पूरा पूरा भरा हुआ एक एक पौधा जो है इतना अपने आप में अल्टीमेट हुआ हुआ है। पिटूनिया के भी दो वैरायटी होती हैं, पिटूनिया में एक सिंगल और एक डबल होती है। डबल पिटूनिया किसे बोलते हैं ये देख लें आप, ये डबल पिटूनिया का मतलब फूल जो है कुछ इस तरह का होता है, पूरा गुच्छों में बना हुआ होता है। तो ये डबल पिटूनिया है और ये मात्र 10 इंची के गमले में, देखिए ये 10 इंची का गमला लगा हुआ है, सिंगल पौधा है ये। और इसका देखेंगे पूरा, एक हिलाएंगे तो पूरा हिलेगा। इसकी पिंचिंग टाइम टू टाइम की गई और न्यूट्रिशन में हमारा जो सीजनल फ्लावर फूड है, स्पेशल फ्लावर फूड वो डाला और लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसका नतीजा देखेंगे कि ये रिजल्ट आ रहा है। इसमें ये कलर हो गया, दूसरा कलर देखिए वाइट कलर में आ रहा है, तीसरा कलर देखेंगे डार्क ब्लू, जिसको हम नेवी ब्लू बोलते हैं, नेवी ब्लू कलर में। और कितने इसके अंदर आप देखेंगे कि बर्ड्स हैं, ये देखिए गौर से कितने बर्ड्स हैं। तो ये अभी पूरा खिलने वाला है, सभी बर्ड्स खुलेंगे तो ये इस तरह से देखिए जैसे हो रहा है, इस तरह का लुक आ जाएगा। और फूल का साइज़ देखेंगे आप तो यकीन नहीं होगा कि क्या ये है, देखना फूल का साइज़ देखेंगे, ये मोटा फूल है और इतना बड़ा। तो ये गुलाब को भी अलग कर रहा है, मतलब कि उसका कंपैरिजन कर रहा है अपने। तो ये पिटूनियाज हैं और इसी में हम देखेंगे वाइट पिटूनिया, ये पिंक देखेंगे, पिंक में देखें ये 10 इंची गमले के अंदर पूरा भरा हुआ है वाइट पिटूनियाज जो है। मैं सबको एक एक करके अभी दिखाता हूँ आपको कि एक ही पौधा है या नहीं। ये देखिए ये 10 इंची गमले का पौधा है और इसका लुक जो है वो देखते बनता है कि यकीन नहीं होता है कि ये क्या वही है, एक पौधा है क्या। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको अभी क्लैरिफाई करता हूँ बाय मेज़रमेंट टेप के साथ, हम दिखाएंगे आपको कि कितना कितना बड़ा, कितने से जो ट्रे में या गमले में ये पौधा उगा हुआ है। आप देखिए कि ये 10 इंची गमला है, 10 इंची गमला आपको दिखाई दे रहा होगा और मात्र एक पौधा है इसके अंदर, एक पौधा, सिंगल पौधा इसके अंदर। इसकी ग्रोथ हमने आपको, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, उनको मैंने दिखाया था कि किस तरह से हम इसकी पिंचिंग करते रहते हैं और पिंचिंग करते करते आज जो कंडीशन है ये देखिए आपको दिख जाएगा। ये देखो किस तरह से हमने सपोर्ट लगाया है इसको, एक पौधा है, सिंगल पौधा आप देखेंगे तो सिंगल पौधे में इतना फूल आया हुआ है। ये देखिए 1000+ होगा, उससे नीचे नहीं फ्लावर होगा जिस हिसाब से आपको दिख रहा है। और अभी बडिंग चल ही रही है इसमें, हम इस टाइम इसमें कोई खाद नहीं डाल रहे हैं। जब एक बार फ्लावरिंग शुरू हो जाए आपकी तो आपको कोई खाद नहीं डालना है। इसका हम डाया की बात करें तो ये इंची टेप है देखें, और इसका डाया हम यहाँ से लें कि भाई कितना होना चाहिए, देखिए 26 इंच डाया, 26 इंच डाया हो रहा है ये देखेंगे। तो ये इधर से 24 इंचेस, इतने इतने बड़े डाया के हमारे गमले का एक का साइज़ हो गया है। ये देखें किस तरह से ये पौधा पूरा बना हुआ है, इसका भी मैं डाया दिखाता हूँ आपको कि किस तरह एक ही पौधा कितने बड़े डाया में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखेंगे आप यहाँ से, देखिए ये लगभग 32 इंचेस, ये देखिए 32 इंचेस का इसका जो डाया है वो हो गया है और पूरी तरह से फैल गया है, एक ही पौधा फैला हुआ है। इसका भी मैं दिखा देता हूँ आप देखिए, ये देखें ये एक पौधा है, इसमें से इतनी ब्रांचेस निकली हुई है।
अब इसको लगाने का टाइम क्या, हमने लगाया इसको नवंबर में, पौधा ट्रांसप्लांट किया था नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने इसको प्रिपेयर होने के लिए मिला और जैसे मार्च आया वैसे इसमें ब्लूमिंग शुरू हो गई। इसका बीज डालने का टाइम जो है सितंबर एंड में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम बीज डालते हैं और उस तरह से ये पौधा तैयार होता है। और इस टाइम आकर के देख रहे हैं कि इतना बड़ा पौधा ये तैयार हो जाता है। ये जो है एक पिंक कलर है, इसको स्किन बोलते हैं, ये नर्व्स वाला जो पेटूनिया होता है जो इसकी नर्व्स दिखाई देती हैं, जैसे कि हमारे ब्लड्स के बीच में नर्व्स दिखाई देती हैं बारीक बारीक, इसी तरह से नर्व्स दिखाई दे रही हैं इसकी। और ये पिंक कलर में बहुत ही खूबसूरत एक पौधा, ये भी सिंगल पौधा है, ये देख लें गौर से देखिए, ये सिंगल पौधा और 10 इंची गमले में है। इसकी ग्रोथ देखें, 2-4 फूल पे खुश मत होइए, इनकी पिंचिंग करिए और इनको टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन जो फ्लावर फूड है कंप्लीट फूड इनको मिले तो ये तो अल्टीमेट फ्लावरिंग आपको दे सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैं छोटा वाला भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो है मात्र 12 इंची का जो है ट्रे होता है जिसकी गहराई मात्र 6 इंची है, ये 6 इंची गहराई है और 12 इंच का डाया है इसका, देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये पौधा लगा हुआ है। एक पौधा देखें, सिंगल पौधा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं गौर से, ये देखिए, बल्कि मैं जड़ भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये जड़ है इसका, सिंगल पौधा लगा हुआ है। और इसका भी डाया आप देख लें, ये देखें डाया इसका, अगर मैं मापूँ डाया तो देखिए कैसे फैला हुआ है, ये देखें 30 इंची, ये देखिए 30 इंची डाया, मतलब 2.5-2.5 फुट का डाया जो है 12 इंच का जो ट्रे है उसके अंदर हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, इसको प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटरिंग, और इसके लिए हम डालते हैं फ्लावर फूड, सभी सीजनल फ्लावर्स के लिए एक फ्लावर फूड आता है हमारे पास। तो व्हाट्सएप पे करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, आपके पास है अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए। इस तरह से अल्टीमेट फ्लावरिंग लेने के लिए कहते हैं कि जितना हमें मतलब मेहनत करनी, जितना पैसा चाहिए तो उतना हमें वर्कआउट करना पड़ता है, तो इसी तरह से इनमें जितना फ्लावर चाहिए तो इसके अंदर हमें उतना न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा और तभी हमारा ये रिजल्ट आता है। डबल पिटूनिया का मतलब देखिए क्या होता है, ये फूल जो है गुच्छों में इस तरह से होता है और सिंगल पिटूनिया देखेंगे तो सिंगल इस तरह से भोपू टाइप में हो गया। तो ये देखिए कि इसके अंदर भी एक पौधा है, पूरा ऐसे हिलाएंगे तो पूरा हिलेगा, इतना जो है होल्ड किया हुआ है इसने अपने लोड को। और ये देखें नीचे से एक पौधा, मात्र एक पौधे के अंदर ये इतना फ्लावर आप ले सकते हैं हमारी तरह ही, ये फर्टिलाइजर्स डाल के और टेकिंग केयर करके। तो हमें कॉन्टैक्ट करिए, किसी तरह की आपको कोई क्वायरीज हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे हमारा समीर सिंह चैनल पे हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम डाली जाती है कि कब बोना है, कब ट्रांसप्लांटेशन करना है, और ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ब्लूम है इसका। ये छोटे छोटे से, ये देखिए, ये एक एक फुट का जो है ये हमारा ट्रे है, ये देखेंगे छोटा सा, और इसके अंदर अल्टीमेट 1000+ फ्लावर जो है, कोई गलत नहीं है, गिनती करें तो उससे ऊपर होगा, नीचे नहीं रहेगा। तो दोस्तों और भी मैं दिखाता हूँ इसी सीरीज में, पेटूनिया हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं इसमें, देखिए पेटूनिया हमारे जो टायर होते हैं पुराने टायर, वो बेकार पड़े होते हैं, उसको कट करके हमने ये गमला बनाया, इसमें देखिए 2 पौधा लगाया, अभी फ्लावरिंग शुरू हुई है। ये देखिए कि किस तरह से भर रहा है ये सिंगल पौधा, इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी है और खाद जो हम देते हैं उस वजह से इतनी फ्लावरिंग हमारी हो रही है। और भी इसी सीरीज में मैं दिखाता हूँ आपको कि और क्या कर सकते हैं जिनके पास जगह नहीं है, जिन लोगों के पास जगह नहीं है, कहते हैं हमारे गमले नहीं रख सकते या हमारे पास है ही नहीं जगह रखने की, तो उनको देखिए कोई रेलिंग हो या कोई दीवार हो उसके ऊपर इस तरह से ये 6 इंची पाइप का गमला है जो हमारे पास अवेलेबल होता है, या बना सकते हैं आप इसको कट करके। देखिए सिर्फ ये करना है आपने कि इतना एक सपोर्ट ये और एक सपोर्ट ये हमने छोड़ी है इसकी, देखिए, और जंजीर से बांध के लटका दिया या फास्टनर लगा के दीवार पे किया जा सकता है। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा ये किस तरह से गुलदस्ता तैयार हो गया है, इसमें हमने 6-6, 7-7 पौधे लगाए थे जो कि अब ब्लूम कर रहे हैं और फुल ब्लूम पे हैं आप देख सकते हैं। तो ये भी आप अपने घर में, अगर जगह नहीं है जिनके घर में, उनके लिए बेस्ट तरीका है कि फ्लावरिंग आप बगैर जगह की भी कर सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जब मर्जी जहाँ मर्जी टांग लें इस तरह से, कोई दीवार हो, ज़रूरी नहीं कि नीचे का सरफेस एरिया हो तो उसी के ऊपर कर सकते हैं, ये सब ऐसे ही आप लुत्फ उठा सकते हैं, मतलब दिल में इच्छा हो तो आप कुछ भी और कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हम 4थी मंजिल पे खड़े हैं घर की और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं, तो इच्छा शक्ति का ही कमाल है, समय और ये तो सब कुछ निकल आता है जब इच्छा होती है आदमी की।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस तरह की कोशिश करेंगे भविष्य में, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और हमारी प्रकृति भी स्वस्थ रह सके। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए।